ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ विलेज डीलर सिमुलेटर। तो गाइज यार, लास्ट एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारे लिए एक नया ट्रक खरीदा था, ये लाल वाला, जिसकी स्पीड वगैरह ठीक ठाक है और अपन ने काफी सारी डिलीवरीज भी यहाँ पे कर ली थी और हम लोगों ने यहाँ पे $50,000 कर दिए थे। लेकिन तुम्हारा भाई ऑफलाइन जाके ना यहाँ पे काफी सारा सामान लेकर आ चुका है ताकि अपन इसको सेल कर सकें। यहाँ पे हमें काफी सारा गोट मिल्क लेके आ चुका हूँ और काफी सारी जो है यहाँ पे मिर्चियां भी लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि इसको अपन अभी बेचने वाले हैं और इससे अपन काफी सारा पैसा अर्न करने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज किस एपिसोड में अपने को ना भाई $100,000 करने हैं एंड उसी के साथ जो है गाइस अपन ये वाला ट्रक खरीदने वाले हैं $1,00,000 का, ठीक है। इसकी भाई तुम कैपेसिटी देख सकते हो 12 की है भाई, 12 डब्बे रख सकते हो, मतलब बहुत सारा सामान आ सकता है भाई। उसके साथ इसकी 200 लीटर की जो है फ्यूल कैपेसिटी है और टॉप स्पीड देख सकते हो, एक्सेलरेशन, हैंडलिंग, ब्रेकिंग सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। चलो गाइस यार, अभी ना मैं मार्केट में जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे मिर्चियां बेचनी है एंड उसी के साथ जो है यहाँ पे अपने को गोट का मिल्क भी सेल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इमली के पास चलता हूँ एंड आई गेस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बायर्स में। तो इमली जो है वो यहाँ पे लार्जेस्ट डेयरी फैक्ट्री है एंड इज ऑलवेज सीकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स। तो भाई ये मिल्क इसको चाहिए रहेगा, तो अपन जरा यहाँ पे इसको दूध देकर आते हैं, मतलब हाँ, तो भाई इसको अपन गोट का मिल्क देकर आते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कितना पैसा अपने को देगी ये। 10,800 का जो है अपने को यहाँ पे मुनाफा होगा, बट ओ माई गॉड भाई, लुक एट दैट गाइज, प्रॉफिट देखो भाई तुम, $27,000। एंड मैं किसी इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स रिक्वेस्ट, नेगोशिएट करते हैं इससे। ओके, 213% तक मान रही है काफी आराम से ये, एंड 236% तक आराम से मान रही है, थोड़ा सा और हल्का सा। ओके ठीक है, आई गेस गाइस आई एम हैप्पी विद दिस। 244% बहुत ज्यादा है एंड $37,000 अपने को इसके मिलने वाले हैं। तो चलो भाई, मैंने यहाँ पे गोट मिल्क बेच दिया और हमारे पास हो चुके गाइस अभी $80,000, ठीक है। $80,000 भाई बहुत ही ज्यादा है एंड अभी मेरे पास ना मिर्चियां बची हुई है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि मिर्चियां लेता कौन है। ओके, सो यहाँ पे ब्रैंडन ओन्स अ स्मॉल सॉस फैक्ट्री एंड इज ऑलवेज लुकिंग फॉर टमाटो एंड चिली पेपर्स। तो भाई ब्रैंडन के पास अपन चलते हैं क्योंकि अपने को काफी बढ़िया पैसा देने वाला है। सो ब्रैंडन आई थिंक यहीं पर रहता है। ओके, सो लेट्स टॉक टू हिम एंड इसको अपन जो काफी सारे यहाँ पे मिर्ची के डब्बे सेल करने वाले हैं। वेल, इससे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होने वाला बट ठीक ठाक हो जाना चाहिए वैसे। थोड़ा ट्राई करते हैं नेगोशिएट करने की। 196% मान चुका है, थोड़ा सा और। ओके, 20,000 मिल जाएंगे एंड ओके, सो 20,000 मिल सकते हैं, मतलब इससे मेरे को इतना समझ में आ गया। तो अपन इसे पूरे के पूरे 20,000 निकलवाने की कोशिश करेंगे भाई, आई विल ट्राई माई बेस्ट गाइस। 18,000 हो चुके हैं। अबे यार मान जा यार, ऐसे मत कर भाई। अबे भैया बीच में तो ये मान गया था लेकिन अब क्या हो गया भाई, इसको मानना ही नहीं चाह रहा भाई बिल्कुल भी। थोड़ा सा बढ़ा ले भाई, अबे इस बार तो कम कर रहा है ये भाई, थोड़ा सा बढ़ा ले यार, ऐसे मत कर। ओके सो गाइस यार, अभी आई एम हैप्पी विद दिस, सो इसको भी एक्सेप्ट एंड सेल करते हैं भाई, लेट्स गो। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा एकदम सब कुछ बेच दिया है गाइस और वाओ, बस ऑलरेडी यहाँ पर $1,00,000 हो चुके गाइस। लेकिन ना अभी मैं ट्रक नहीं खरीद रहा हूँ, मेरे को ना एटलीस्ट एक और ऑर्डर लेकर आना है, क्योंकि नया ट्रक खरीदने के बाद ना उसमें तेल भी भरवाना होता है और तेल काफी ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को ना एक नया ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद में ही अपन लोग इस वाले को पूरा करेंगे, ठीक है, ये वाला नया ट्रक खरीदेंगे। सो सबसे पहले तो मैं एक मिनट, रुक जाओ, उतर जा भाई आराम से उतर जा। चलो अभी मैं तुम लोग की चीज दिखाता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ पे जाओगे ना फोन में, तो भाई मेरे को इतने सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं यहाँ पे, लिटरली इतने सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं और पता है 3,000-4,000 meters दूर है सारी चीजें, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी जो है इनको सब कुछ अच्छे से कर दिया कि भाई क्या क्या लेकर आना है। तो यहाँ पे जो है 1,300 meters दूर काउ मिल्क मिलेगा मेरे को, इसके बाद मेरे को 35 per kg जो है यहाँ पे चिलीज मिल जाएंगी, आई थिंक 800 meters दूर ही है। उसके बाद यहाँ पे काउ मिल्क है जो कि 880 meters दूर है एंड यहाँ पर है काउ मिल्क काफी दूर है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर भाई ये तो बहुत दूर जा रहा है। तो अपने काम करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो काउ मिल्क जो है 30 per kg मिल रहा है एंड 880 meters दूर है, जो कि पास में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो अपन सबसे पहले वाला ऑर्डर लेकर आएंगे एंड लेट्स गो गाइस, अपने को अभी जॉनसन से मिलना है एंड उसे काउ मिल्क लेकर आना है। तो ड्राइव टू जॉनसन एंड टॉक टू हिम, तो अपने को उसके पास जाना है और उससे बातचीत करनी है, थोड़ा नेगोशिएट करेंगे भाई, थोड़ा सस्ते में सब कुछ निपटा दे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यार काफी महंगा मिलने वाला है अपने को दूध वो, एंड आई होप कि उससे ना अपना तगड़ा वाला प्रॉफिट भी हो जाए, ताकि अपन हमारी जो नई वाली गाड़ी रहेगी उसके अंदर तेल वगैरह भी भरवा पाए, ठीक है भाई। फिर तो मज़ा आ जाएगा, अपन नई वाली गाड़ी लेकर जाएंगे और भाई बहुत सारे जो ट्रक्स लोड आउट करके लेकर आएंगे, ताकि अपन मस्त पैसा छाप सके, समझ रहे हो। अबे रुक जा, ठहर जा, कहाँ भागे जा रही है भाई, ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा बेकार है, मेरे को इसलिए नई गाड़ी चाहिए भाई। 50 लीटर में काम होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, से काम करता हूँ मैं ना, जरा यहाँ पे चलते हैं एंड इसको फटाफट जो है रिफ्यूल करवा लेता हूँ मैं व्हीकल को, ठीक है। $683 तो भाई इसी के अंदर चले गए मेरे, बहुत बढ़िया भाई। पैसे बहुत जल्दी जल्दी फूक जाते हैं भाई, तेल वेल भराने इसके अंदर पता नहीं क्या सीन है, एक सारा पैसा तो तेल भरने लग जाता है भैंस की। ओके ठीक है, 600 अगर तो मे भी नेगोशिएट करके 600 का तो एटलीस्ट प्रॉफिट हो जाए थोड़ा सा, तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पैसा नहीं खोना चाहता एंड बहुत बढ़िया
मेरी गाड़ी की हालत भाई कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो यूँ ही पलट जाती है भाई। ये देखो हवा में घूम रही है भाई ये। और राइट सो भी मेरे पास $99,000 है, लेकिन छोड़ो इतना सारा पैसा खर्च हो गया अचानक से हैं। ठीक है भाई 600 मीटर दूर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार एक बार में अपन $100 करेंगे, $100K करेंगे, उसके बाद में तुम्हारा भाई खरीदेगा नया ट्रक यहाँ पर। ठीक है ऑलराइट सो हियर वी आर गाइस, एंड यहाँ पे भाई हर चीज़ का दूध मिलता है भाई, बकरी वकरी सबका, लेकिन यहाँ वाले ऑर्डर्स आते नहीं, मेरे को बहुत रेयरली आते हैं। चल भाई कहाँ लेके जा रहा है इस ट्रक को, आराम से रोक जा, डट जा भाई, ठहर जा। चलो गाइस फाइनली अपन यहाँ पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कितनी सारी काउज हैं, देख रहे हो अभी बहुत सारी काउज हैं। इनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये काफी वो लगता है भाई मेरे को, इंटरेक्ट नहीं कर पाते जब ऐसे ना हाथ भी फैर पाते तो काफी प्यारा लगता है देखने में भी, तो थोड़ा बहुत पेट वगैरह का तो ऐड करना चाहिए था, बट ठीक है चलो यहाँ पे बात करते हैं इनसे। एंड वेलकम प्यार, हियर यू कैन बाय लाइव स्टॉक। ठीक है भाई अंकल जी थैंक यू सो मच, ये तो अंकल ही है ना कोई, हाँ ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे मेरे को काफी सारा जो है अभी काउ मिल्क भरना पड़ेगा। ठीक है भाई बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे डब्बे हैं और यहाँ पे बहुत सारी कैंस भी रखी हुई है। ठीक है तो भरने में टाइम लगेगा, अभी रुक जाओ। ओके सो गाइज यहाँ पे मैंने 25x30 केजी भर दिया है, एंड ये लास्ट बॉक्स हमारा बचा हुआ है, मैंने 5 बॉक्सेस भर दिए हैं यहाँ पे। चलो इसको भी मैं रख देता हूँ, फटाफट से लोड कर देते हैं एंड ट्राई करते हैं भाई थोड़ा सस्ते में सामान मिल जाए। $5,250 इसके हो रहे हैं, नेगोशिएट करते हैं। लेट्स सी थोड़ा सा यार ज्यादा कम कर दूंगा ना फिर मानेगा भी नहीं ज्यादा, थोड़ा सा और कम कर दे भाई। हाँ चलो ठीक है 3755 में दे रहा भाई, बहुत बढ़िया चीज है ये, एंड इसका अपने को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, आई एम श्योर अबाउट दिस गाइस। एंड अभी देख रहे हो अभी 6 बॉक्स के अंदर ही ना इस जगह का पूरा काम हो गया, और अभी भी वहां पे ना कैंस बची हुई है थोड़ी बहुत देखी जाए तो। बट अगर हम लोगों ने नया ट्रक खरीद लिया तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कैंस लेके जा पाएंगे, एंड उसी के साथ जो है ना अपना प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा होगा इस जगह पे। एक सेकेंड मैं उल्टा जा रहा हूँ क्या, मैं इधर किधर से आया था भाई, मैं साला पता नहीं कहाँ लेके जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को भाई। एक सेकंड बताओ गाइस मेरे को गाड़ी पलटान दो भाई वापस, मैं पीछे से आया था इधर से आया था। ठीक है भाई जो भी है कहीं से भी आया हो, रास्ते आई थिंक सारी जगह पे कनेक्टेड रहते हैं वैसे भी इसके अंदर। चलो अभी यहाँ से गोली होते हैं गाइस, अपने को वापस हमारे वेयर हाउस पर पहुँचना है, क्योंकि अपने को यहाँ पे कितने सारे, अच्छा लॉल नॉर्मल प्लांट है, मेरे को लगा भाई चिलीज वगैरह लगा रखी इस जगह पर भी, फार्मिंग वाली एरिया तो बहुत सारी है यहाँ पे बहुत। तुम लोगों को मैप तो दिखाऊंगा, जो तुम लोगों ने मैप दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, मैप देखना भाई इतना ज़्यादा बड़ा मैप है इसका, लेकिन बहुत दूर दूर तक सामान है भाई। उसके लिए मेरे को ना नया वाला ट्रक चाहिए, क्योंकि ना उसमें काफ़ी सारा तेल होता है, उसके अंदर फ्यूल रहता है, तो भाई उसमें आराम से अपन काफ़ी दूर दूर तक जा पाएंगे। इसमें इतना ज़्यादा तेल नहीं होता तो अपन ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते। हाँ रिफ्यूल करा सकते हैं उसका कोई सीन नहीं है, बट रिफ्यूल में भाई बहुत खर्चा जाता है एक तो। ठीक है इसको देखो ये बावड़ा हो रहा है इधर, पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे, गाड़ी घुमा रहा है अपनी इधर उधर, पता नहीं भाई पागल हो जाते हैं यहाँ के लोग। मेरे को रेयरली कोई एक दो गाड़ी देखने को मिलती है भाई इसके अंदर, नहीं तो गाड़ियाँ दिखती ही नहीं भाई। ऑलराइट सो गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं वापस हमारे वेयर हाउस पे, एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं बीच मार्केट में, लेकिन उससे पहले अपने को जो है यहाँ पे काफी सारा सामान लोड आउट करवाना पड़ेगा, तो मैं मोबाइल कर देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली एंड लेट्स गो। आई गेस ब्रैंडन था नहीं सॉरी एमिली के पास मैं जाने वाला हूँ बीच मार्केट में, तो कि वो जो है सबसे ज्यादा बढ़िया पैसा देती है इसका, सो इसलिए। हेलो एमिली जी क्या हाल है आपके, हाँ बढ़िया है सब, तुम बताओ क्या हाल है। चलो यहाँ पे सारा दूध अपन सेल करने वाले, और एक सेकंड गाइस 25 kg सिर्फ है, आई थॉट मैंने, अबे यार चलो ठीक है इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला, वैसे देखा जाए तो 15,000 तक ही बनेगा यार, मुझे लगा तो मस्त पैसा बनेगा भाई इससे तो। अबे थोड़ा तो बढ़ा ले भाई, 14,000 बटकी हुई है तो। ना यार ऐसे मत कर यार, एटलीस्ट 20,000 तक कुछ तो दे भाई, 15,000 पे मान के 202% मान रही है। अबे यार ऐसे मत कर, ओके 211%, आई एम हैप्पी विद दिस, 16,000 मिल रहा है। ठीक है भैया यस कर देते हैं। चलो गाइस फाइनली अपन के पास अभी जो है $112,000 यहाँ पर हो चुके हैं, एंड गाइस यार हम लोग अभी जाने वाले हैं और सबसे महंगा ट्रक यहाँ पे खरीदने वाले हैं। ठीक है ये देख रहे हो भाई कितना बड़ा ट्रक है ये, लुक एट दिस गाइस भाई, लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा ट्रक है यार। चलो गाइस फाइनली अपन लोग लीन फोर्जा Z3 खरीदने वाले हैं, मैं पहले 23 बोलने वाला था बट इट्स Z3 ओके, सो इसको परचेज करते हैं, लेट्स गो। एंड यू विल परचेज लीन फोर्जा या आर यू श्योर, यस यस आई एम श्योर, यू हैव सक्सेसफुली परचेज, ठीक है यू कैन नाउ यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम द पार्किंग स्पेस आउटसाइड। ठीक है भाई कंफर्म करते हैं, है इस गेम की भाई सुप्रीम व्हीकल, ठीक है तो सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट व्हीकल है, एंड तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारी गाड़ियों की कलेक्शन, यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है जो कि नहीं होते हुए भी है, बट ठीक है गाइस अभी हम लोग हमारा नया ट्रक चलाने वाले हैं, लेट्स गो। एक सेकेंड इसकी स्पीड धीरे क्यों लग रही है मेरे को भाई, सीरियसली इसकी स्पीड धीरे है बे, रुक जाओ अभी ट्राई करते हैं, रुक जाओ जरा पहले ना एक दो डिलीवरीज करने वाले हैं अपन, अभी देखते हैं भाई सबसे पास में कौन सी है, वैसे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रही है मेरे को। 2000 देख रहे हो 2200 भाई कितनी दूर है ये,
पास वाली देखता हूँ मैं, अगर पास पास की कोई मिल जाती है अपने को तो। ये तो भाई 2500 मीटर दूर है, ये भी 2500 मीटर दूर, ये 2600 मीटर दूर, ये 2700 मीटर दूर। ओ माई गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गेम। 3500, 3600, भाई साहब हेलो। ओके ये ओ गोट मिल्क मिलने वाला है गाइस अपने को यहाँ पे, 770 मीटर दूर। ओके ये पास में गोट मिल्क मिलने वाला, भाई गोट मिल्क पता है तुम लोग को बहुत महंगा बिकता है। सो या फाइनली गाइस अपन जाने वाले ब्राउन के पास में, एंड ब्राउन अंकल जी से जो है हम लोग यहाँ पे ब्राउन आई थिंक उसका नाम है, तो उन अंकल जी से अपन जाके बातचीत करेंगे। एंड गोट मिल्क थोड़ा सस्ते में लेकर आएंगे वैसे, क्योंकि मेरे पास 12,000 ही है एंड 12 बॉक्स की कैपेसिटी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सो इसलिए। और एक सेकेंड इस गाड़ी का, भाई इस गाड़ी की स्पीड सही में बहुत सी धीरे है यार, ये देख रहे हो क्या भाई, ये गाड़ी कितनी आराम से चल रही है भाई। तो महंगी खरीद रहा हूँ तो भाई ज़्यादा वो होगी फास्ट, लेकिन ये देखो ये बावड़ा और कितने एरिया है इसके, ये ले साढ़े, पता नहीं क्या चला रहा है गाड़ी, क्या कर रहा है, घुमा रहा है वहाँ पे, गोल चक्कर काट रहा है भाई, ड्रिफ्टें मार रहा है इस वहाँ पे। चलो अपने को यहाँ से राइट मुड़ना है। ओके यार मेरे को लगा था भाई ये गाड़ी है ना थोड़ी बढ़िया सी है कि इसकी स्पीड, लेकिन काफ़ी ज़्यादा धीरे मेरे को लग रही है, इससे बढ़िया हमारा पुराना वाला जो ट्रक है वो ज़्यादा बढ़िया है इससे। बस इसकी जो स्पीड कैपेसिटी है वो ठीक है, मतलब स्पीड कह रहा हूँ ये डब्बे रखने की कैपेसिटी बढ़िया है, उसी की वजह से यूज़ करने वाला है, बाकी तो और कोई काम वाम है नहीं इस गाड़ी से अपने को। अच्छा सारी गाड़ियों को यही रूल है और कुछ तो है नहीं इसमें। चलो गाइस अभी अपन लोग यहाँ चलते हैं, एंड ये देखो गाइस यहाँ पे हमारे ब्राउन अंकल वेट कर रहे हैं हमारा। हेलो अंकल जी, क्या हाल है आपके, सब बढ़िया? ये अबे अंकल तो बिल्कुल नहीं है ये। चलो गाइस यहाँ से अपन काफी सारा जो दूध है वो गैदर करने वाले हैं, उसको हमारी गाड़ी में लोड करेंगे एंड देखते हैं कितने डब्बे यहाँ पे भर पाएंगे। ठीक है मेरे को देखना है कितने टोटल डब्बे अपन भर सकते हैं इससे। 12 तो यार मुश्किल ही लग रहा है, पर ठीक है ट्राई करते हैं एक बार कितना भर जाएगा देखेंगे। ठीक है राइट, सो गाइस अभी हमारा जो है यहाँ पे लास्ट बॉक्स ही बचा हुआ है एंड 6 डब्बे मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ, लेकिन टोटल यहाँ पे सिर्फ 7 ही डब्बे भरे हैं एंड वो भी टोटल जो लास्ट डब्बा है वो पूरा नहीं भरा है यहाँ पे। ठीक है सो यार 7 डब्बे मैंने कर लिए एंड ये ऑलरेडी 12,000 टोटल हो चुके हैं भाई इसके पैसे। आर यू किडिंग विद मी ब्रो, 12,000। ओके सो लेट्स गिव द ट्राई एक बार, मैं सबसे बिल्कुल एकदम कम कर, भाई एकदम बिल्कुल कम करने पे तो नहीं मानेगा यार मेरे को थोड़ा बहुत तो। ठीक है 2,000 का नेगोशिएशन यहाँ पर हो चुका है गाइस एंड ठीक है भाई, कुछ मना तो कर नहीं सकता भाई, इतना सारा सामान लोड कर लिया है मैंने क्योंकि, तो चलो ठीक है भाई 7 डब्बे एंड 2,000 में तो यार कोई भी कुछ भी सामान नहीं आने वाला बाकी। ठीक है तो इसलिए मैं इसको पहले सेल करके आना पड़ेगा अपने को, उसके बाद में अपनी कोई और डिलीवरी वगैरह ना यहाँ पे ले पाएंगे अपन। ठीक है भाई बहुत ज़्यादा, एक बार जरूर एक चीज़ में ट्राई कर सकता हूँ, अगर कोई मेलन वाले ऑर्डर आ रखे होंगे ना तो वो मैं ले सकता हूँ क्योंकि मेलन काफ़ी सस्ते मिलते हैं इसके अंदर। लेट्स सी यहाँ पे मैं, अबे कितने सारे नए नए ऑर्डर आ रखे हैं यहाँ पे, रुकूँ लेट मी चेक। ये तो ऑरेंजेस हो गया एंड ये चिकन एग्स हो गए, ये हो गया काऊ मिल्क, लेट मी चेक कोई सस्ती सी चीज़ जो अपने को मिल जाए। टमाटर है यहाँ पे लेकिन 3,000 मीटर दूर कौन जाएगा टमाटर के लिए भाई यहाँ पे। ओके यहाँ पे ऑरेंजेस है गाइस, ठीक है 14 पर केजी मिल रहे हैं एंड अरे 14 पर केजी ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा वैसे देखा जाए तो, लाइक ठीक है जितना जितने मिल जाता है उतना अपन उठा लेते हैं। ठीक है 2,000 तो है मेरे पास एंड 600 मीटर दूर आई थिंक आसपास में ही है, तो अपन इससे ऑरेंजेस वगैरह निकालते हुए सीधा घर हो लेंगे। ठीक है ये ज़्यादा बढ़िया आइडिया वैसे देखा जाए तो, क्योंकि फिर अपने को नहीं तो भाई बहुत दूर तक जाना पड़ता, वापस आना पड़ता, बहुत लंबा रास्ता खिंच जाता। आई जस्ट होप ये गाड़ी वर्थ इट हो भाई बस। ठीक है तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये गाड़ी पहले वाली गाड़ी स्लो है ना यार, मुझे लगता है भाई क्योंकि एंड इसमें ना इंटीरियर लाइक अंदर का इंटीरियर भी देखना है मेरे को भाई, क्योंकि देख सकते हो काफ़ी थोड़ा सा देखने में बढ़िया लग रहा है, बट अंदर झांक पाता तो भाई ज़्यादा बढ़िया रहता वैसे, बट इस हाल मोड ही नहीं दे रखा इन लोगों ने इसके अंदर का भाई। और फिर मेरे को अली से मिलने जाना है एंड उससे ऑरेंजेस लेकर आना है। ठीक है आई जस्ट होप कि ऑरेंजेस अपने को सस्ते में मिल जाए यार, बट $14 यार ज़्यादा लग रहा है वैसे मेरे को देखा जाए तो। खैर जो देखते हैं ये जो अली है ये कहाँ रहता है भाई, एक सेकंड ये उधर वाले फार्म में रहता है क्या? अबे यार अबे तेरी भैंस की, रुक जाओ गाइस मेरे को ना आई थिंक देखना पड़ेगा यहाँ से रास्ता किधर से है यार, मैं तो अरे भैंस के काम कर रहे हैं ये लोग, मैं तो उनको ठूक ठाक दूँ यहाँ पे यार, इन लोगों ने जानबूझ के उबड़ खाबड़ सा एरिया बनाया हुआ है बताए क्या, ताकि यहाँ पे ना कोई जान आ सके ऐसे क्रॉस करके। ये देख रहे हो, ओह माय गॉड गाइस लुक एट दिस, मेरी गाड़ी फंस गई ना तो दिक्कत बैठ जाएगी मेरे को पूरा, एकदम घूम फिर के आना पड़ेगा फिर, प्लीज़ ऐसे मत करो यार। ओके 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 या एवरीथिंग इज़ गुड, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, ये चलो गाइस फाइनली है वी आर एंड पार्क क्यों नहीं हुई, ठीक है हो गया चलो इसे उतरते हैं एंड अभी अपन जितने ऑरेंजेस ले सकते हैं ना उससे पहले बात कर लेता हूँ मैं। हेलो अली भाई क्या हाल है, ठीक है यू कैन बाय फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऑन योर ओन, ठीक है भाई थैंक यू सो मच। सो गाइस अभी अपन लास्ट टाइम तुम लोगों को याद होगा अपन ने एप्पल्स इकट्ठा करे थे एंड आज अपन लोग, पहले मेरे को उसका प्राइस देखना भाई, अगर पर केजी बोला है ना उसने
14 पर केजी यार, मतलब एक डब्बा ही बहुत महंगा होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। लेट्स सी, अगर एक दो डब्बे अपन खरीद पाते हैं तो ठीक है भाई। ओके सो गाइज, यहाँ पे ना भाई एक डब्बा जो है यहाँ पे $420 का पड़ रहा है, ठीक है। एंड एक सेकंड, मैंने 24 केजी में क्यों रख दिया भाई। ओके ठीक है, तो एक डब्बा यहाँ पे $420 का पड़ रहा है एंड टोटल जो है यहाँ पे 2016 हो चुके हैं, ठीक है। मेरे पास इतना पैसा है एंड लेकिन मैंने, तुम देख सकते हो नीचे 12 के 12 डब्बे जो है पूरे भर दिए हैं। सो अभी अपन इसे ज्यादा रख भी नहीं सकते, नेगोशिएट करके देखते हैं, थोड़ा सस्ते में मान जाए तो भाई थोड़ा सा और कम कर ले हल्का सा भाई। ठीक है भाई, 1500 में दे रहा है, ओके डन है भाई, थैंक यू सो मच बिजनेस हमारे साथ करने के लिए। एंड गाइज, अभी अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा अपने वेयर हाउस पे, क्योंकि भाई अभी तुम देख सकते हो मेरे पास सिर्फ $824 है, ठीक है। लेकिन अभी ना तुम लोग को एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं, जो हम लोग अभी गोट मिल्क लेकर आए ना गाइज, तुम देखना भाई अपन एक बार में ही माला माल होने वाले हैं अभी। लिटरली भाई वो गोट मिल्क नहीं है भाई, वो क्या बोलूँ तुम्हें, बस वो सोना है भाई, सोना। ऐसा बेचोगे तुम तो इतना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ऐसा सीन है उसके अंदर। अबे यार ये कहाँ जा रही है गाड़ी, इसके कंट्रोल बहुत ख़राब है भाई इस गाड़ी के। खैर आई थिंक इस गेम का ही लास्ट एपिसोड ही होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें ना अपने लगभग सारी चीज़ें कर दी है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें करने को, बस अपने को नया ट्रक ही खरीदना रहता है। एंड ये मैक्स टू मैक मैं तुम लोग को पहले बता चुका हूँ कि भाई ये 3-3.5 घंटे या 2.5 घंटे का कुछ गेम है, ठीक है। ऐसे ज़्यादा इसमें अपन टाइम इन्वेस्ट करना है कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी जल्दी सारी चीज़ें अपन ने कर लिया, बहुत जल्दी इसमें पैसे बन जाते हैं, इसलिए ग्राइंड वाला भी कोई सीन नहीं है, इजी पीजी। एंड अभी अपन गाइस आ चुके हैं हमारे वेयर हाउस पे, तो नया ट्रक तो काफी बढ़िया है, तुम लोगों को कैसा लगा ये नया ट्रक, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अभी जरा भाई कितना सारा सामान लिया है मैं, ठीक है भाई चलो अभी मार्केट में चलते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे क्या बेचना है मेरे को, रुक जाओ काऊ मिल्क बेचना है, तो मेरे को इमली के पास जाना है। एंड लेट्स गो गाइस, अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ अपन माला माल कैसे होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स गो भाई, सीधा 30,000 का प्रॉफिट, मतलब क्लिक करते ही सीधा 30,000 का प्रॉफिट भाई, ये देख रहे हो 39,000, ठीक है, 225% में मान रही है ये। ओ माय गॉड गाइस, लुक एट दैट, $43,500, ठीक है भाई, एक्सेप्ट एंड सेल, डन गाइस, डन डील। गॉट मिल्क से भाई $43,000 अपने को मिले हैं यहाँ पे, एंड हमारे पास हो चुके हैं अभी $44,000 भाई साहब, क्या ही प्रॉफिट निकला है, इस मजा आ गया। चलो अभी बायर्स में चलते हैं, मेरे को ना ऑरेंजेस वाला देखना है भाई, ऑरेंज कौन लेता है यहाँ पे ऑरेंजेस, टाइलर तो वाटरमेलन रहता है, ओके ठीक है, 300% का प्रॉफिट देगा भाई ये टाइलर। रुको गाइस, टाइलर के पास चलते हैं जरा। टाइलर तेरी दुकान किधर है भाई, तेरी दुकान का रास्ता भूल गया भाई मैं, टाइलर जी कहाँ हो भाई, ये है क्या टाइलर की शॉप, टाइलर नहीं तो रायान का ट्रेडिंग हब है। एंड अबे टाइलर की दुकान कहाँ गई बे साला, टाइलर पता नहीं कहाँ पे कोने में, हाँ ये नहीं भाई, इसकी दुकान मिल गई फाइनली, टाइलर सॉल्यूशन। देखते हैं गाइस ये 300% का प्रॉफिट देता है कि नहीं भाई, 2000, देखो भाई इसने बोला था कि 300% का प्रॉफिट देगा, बट ये तो ना दे रहा भाई, इसने तो कही थी ये देखो, वाटरमेलन एंड ऑरेंज मार्केट एंड इज विलिंग टू ऑफर यू अ 300% प्रॉफिट फ्रॉम इट, बट 300% में तो मान ही नहीं रहा ना भाई, कहाँ दे रहा है 300%, ना दे रहा भाई 300%, ये तो 150 पर टिका हुआ है भाई, इसके अलावा तो देना ही नहीं चाहता ये, थोड़ा सा तो बढ़ा ले, थोड़ा सा और बढ़ा ले, ठीक है गाइस, इससे अपन सिर्फ 5,000 ही कमा सकते हैं अपन, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 हमारे पास वापस हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने हमारे लिए नया ट्रक भी खरीद लिया एंड अपन ने काफी सारी डिलीवरीज भी कर दी है, और हम लोग भाई यहाँ पे ऑलरेडी माला माल भी हो चुके हैं एंड हम लोग भाई इस विलेज के सबसे बेस्ट डीलर भी बन चुके हैं। देख सकते हो भाई कितने सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है, बट अपने को चेक करने की जरूरत है भी नहीं है ये सब, जाना बोलिया भाई, जितनी काम करनी थी अपन ने कर लिया गाइस, ठीक है। वेल गाइस, ये ट्रक कैसा लगा कमेंट्स, एंड अपन जो डिलीवरीज करी है उससे पैसा देख सकते हो भाई, पैसा कितना जल्दी अपन अर्न कर पा रहे हैं यहाँ पे, गोट मिल्क का तो भाई सबसे ज्यादा तगड़ा प्रॉफिट है। एंड गाइस यार ये इस गेम का लास्ट एपिसोड है, बाकी देखते हैं नया गेम, किसी और नए गेम की सीरीज जल्दी अपन शुरू करेंगे। बाकी चलो गाइस यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर मजा आता नहीं चला बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।